भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने का फैसला किया है। इसे लेकर एक और मेजर ध्यानचंद का परिवार और तमाम खिलाड़ी बेहद खुश हैं। तो वहीं इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बने स्टेडियम का नाम भी बदला जाना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ी देश का मान बढ़ाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। ऐसे में अब देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के इस कदम पर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने खुशी जाहिर की है और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जिसने ध्यानचंद को एक जादूगर की संज्ञा दी, जिसने ध्यानचंद को हिटलर को भगाने मैदान छोड़ने का जो एक पाठ सिखाया वो ध्यानचंद की शौकीन। ध्यानचंद जी ने 3 ओलंपिक खेले और अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती थी कि 1940 का ओलंपिक और 44 का ओलंपिक वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से नहीं हो पाया। एक तरफ जहां तमाम खिलाड़ी और मेजर ध्यानचंद का परिवार केंद्र सरकार के इस कदम से खुश है तो दूसरी ओर सरकार के इस कदम पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में देश का नाम ऊंचा किया था, इसी वजह से खेल रत्न पुरस्कार का नाम उनके नाम पर किया गया है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। खेल के क्षेत्र में जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, जो खिलाड़ी थे उनके नाम से खेल रत्न माने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित करना मेजर ध्यानचंद जी के नाम से, यह तो देश के हर उस खिलाड़ी का सम्मान है जो देश के लिए खेलता है, देश के लिए जीतता है। तो इसका तो पूरा देश स्वागत कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। उधर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा है, जिनका आरोप है कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए भाजपा सरकार ने ये कदम उठाया है। राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री के रूप में खेल को बढ़ावा दिया था और ध्यानचंद जी के नाम से स्टेडियम भी रखा गया था, नामकरण पहले किया गया था। मेजर ध्यानचंद जी हमारे लिए एक आदर्श रहे हैं कि हॉकी के लिए, तो इसलिए हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम ध्यानचंद जी के नाम से रखा है, अच्छा होता खुद के नाम से रख लेते क्योंकि उनको अच्छा लगता है। कहते हैं चिंता काटो बदलो नाम, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन चुकी है अपने कोई काम इनके पास नहीं है, बेहतर होता मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते। जो खिलाड़ी अभाव में हमारे देश के खिलाड़ी अलग से जीत नहीं पाते बाहर जाके विदेशों में, उनके प्रोत्साहन के नाम पर उनके नाम से शुरू करते।